हेलो किड्स, हेलो मैम। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बताएंगे, ठीक है। देखिए, एक छोटा सा प्लांट है। प्लांट के नीचे जो जमीन के नीचे रहता है इसका पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। देखिए, आपको नजर आ रहा है ना ये रूट्स? सब देखिए अपने अपने प्लांट में, है ना रूट्स? हाँ, प्लांट्स के नीचे का हिस्सा जो जमीन के नीचे अंदर रहता है उसको रूट्स बोलते हैं। उसके ऊपर जो ये आपके दिखाई दे रहा है ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। शाबाश, स्टेम बोलते हैं। आप देखिए अपने में, सब में स्टेम है सबके पास? यस मैम। तो दिस वन इज स्टेम, दिस इज रूट एंड दिस इज स्टेम। ये रूट्स बहुत सारी है तो इसको बोलेंगे दीज आर रूट्स। दीज आर रूट्स, ठीक है। स्टेम एक ही है तो बोलेंगे दिस इज स्टेम। तो ये स्टेम हो गई और रूट्स बहुत सारी हो गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देखिए, ये एक आपको आम का पेड़ का एग्जांपल दे रहे हैं। ये क्या है? आम के पेड़ की स्टेम दिखाई दे रही है ना आपको? ये स्टेम, ये स्टेम है, देखिए सब स्टेम। दिस वन इज स्टेम, ठीक है। स्टेम के बाद देखिए आप, इसकी टहनियां निकल रही हैं, देख रहे हो आप? ये टहनियां निकल रही हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रांचेस। क्या बोलते हैं? ब्रांचेस। ब्रांचेस, ऐसी जैसे आपको पेड़ दिखाई दे रहा है मोटा सा, तो जहाँ तक वो डिवाइड नहीं हुआ है वो स्टेम है। उसके बाद उसकी जो टहनियां बन गई है उनको ब्रांचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांचेस। क्या बोलते हैं? ब्रांचेस। ब्रांचेस के बाद क्या होता है? लीव्स, पत्ते। टहनियों पे क्या आते हैं? पत्ते आते हैं, जैसे आपके इसमें, इसमें भी पत्ते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? लीव्स। ये इसकी टहनी है, दिख रही है ना आपको? ये टहनी है इसकी, इसको बोलते हैं टहनी को ब्रांचेस। और उसके ऊपर क्या है? ये पत्तियां, इसको क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं। लीव्स आने के बाद क्या होता है बताइए? लीव्स आने के बाद क्या निकलता है? बर्ड। बर्ड मतलब कली। बर्ड मीन्स कली। बर्ड मीन्स कली। बर्ड मीन्स कली। अच्छा, ये फ्लावर का प्लांट है, रोज का, ठीक है। तो रोज की ये बर्ड आ गई, उसके बाद फिर क्या बन गया? ये फ्लावर बन गया, फूल बन जाता है बड़ा। कली के बाद क्या बनता है? फ्लावर बनता है, ठीक है। अब फ्रूट के प्लांट्स में फ्लावर के बाद फल बनता है, ठीक है। जैसे हम आपको ये मिर्च का पौधा दिखा रहे हैं, ये फ्लावर्स के बाद क्या बन गया? फ्रूट बन गया। क्या बना ये? फ्रूट। तो ये जो मिर्च है ये इसका फ्रूट है, ठीक है। बर्ड है, ये बर्ड है, शाबाश। बर्ड के बाद फ्लावर, बर्ड के बाद फ्लावर, फ्लावर के बाद फ्रूट। फ्लावर ये है, हाँ दिखाइए फ्लावर, फ्लावर, शाबाश। फ्लावर हो गया ये, फ्लावर के बाद फिर क्या बना हमारा? फ्रूट बन गए। तो फ्रूट का ट्री होगा, गुआवा का होगा, कितने बड़े मिर्च है ना। तो ये फ्रूट है। फलों के पेड़ में फल आएंगे, सब्जियों के पौधे में क्या आएगी? सब्जियां आएंगी, लेकिन उनको फ्रूट से कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका पार्ट हो गया फ्रूट। क्या हुआ? फ्रूट। बताइए, करेले के पेड़ पे क्या आएगा? करेला आएगा, सब्जी आएगी, है ना। और अमरूद के पेड़ पर क्या आएगा? तो अमरूद उसका फ्रूट हो गया। तो हमने आपको लाइव बता दिया है किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसके पार्ट्स। इसके पार्ट्स को आपको मैंने समझा दिया है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, बर्ड, रूट, स्टेम, सब समझा दिया है ना। yes. समझ आ गया ना आप लोगों को? yes, ma'am. आगे समझ में? yes, ma'am. ठीक है, अब आप इसका डायग्राम बनाएंगे, उसको लेबल करेंगे, ठीक है। yes, ma'am.